संगीत एक अपने आप में तपस्या है, ये प्रार्थना का काम है, तो इसीलिए आई थिंक हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। जहन में जैसे गाना जहन में बढ़ता जाता है तो जो उसका दर्शन साफ होते जाता है एंड फाइनली यू कैन हियर योर सिंगर। तो मैंने सुन लिया था कि गाना सुखी जी गाएंगे एंड देन बस हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो जब दिल कहता है कि नहीं, दिल से जब आवाज़ निकलती कि वाह क्या टेक हुआ ये, या क्या क्या लाइन आई है ये, तो हम उसी को परमेश्वर की आवाज़ मान लेते हैं कि दिल भर गया है। मैं पियानो बजा रहा था, मेरे पीछे आकर खड़े हो गए थे केके सर और मेरे कंधों पर हाथ रख के उन्होंने मेरे कान में एक चीज़ कही थी। उन्होंने कहा था कि मिथुन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर कि तुम्हारा सफ़र बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि देर इज़ द रीज़न वाई यू आर योर, मतलब तुम यहाँ पर जिस रीज़न से हो वो तुम्हारा म्यूज़िक है, तो हमेशा उसको प्रायोरिटी रखना। गदर टू का म्यूज़िक मैं कर रहा हूँ, पूरा स्कोर मैं कर रहा हूँ, तो वो तो बिल्कुल पंजाब की जमीन की फिल्म है, तो उसके अंदर हम बहुत कुछ करने वाले, देखते हैं। आज बड़ा ही ना सुंदर मौसम तो है ही है, लेकिन दिन भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आज हमारे साथ तो वेरी टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर एंड राइटर मिथुन है। बहुत बहुत स्वागत मिथुन, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसे हो? आई एम गुड टू। और आपको देखे हम और ज्यादा अच्छे हो गए, बिकॉज जो म्यूजिकल सोल्स होते हैं ना, उनकी एक वाइब ही अलग होती है, एक चार्म ही अलग होता है, एंड वो नजर भी आता है, दैट वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट, सारा संगीत समा के रखना होता है अंदर, एंड वो पेशेंस एंड वो एक्सप्रेशन, सारे इमोशंस नजर भी आते हैं। जी देखिए, संगीत एक अपने आप में तपस्या है, ये प्रार्थना का काम है, तो इसीलिए आई थिंक हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा उस्ताद हो वो ये नहीं कह सकता कि कोई भी चीज़, इसलिए हम कहते हैं आमद जो इस्तेमाल करते कि वो बात आती है, तो हमेशा ज़मीन से जुड़े रहो और प्रार्थना में चलते रहो। राइट। अगर हम बात करें पंडित रामप्रसाद शर्मा जी की, तो उनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा ना, एंड यू आर वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड कि उनके घर में आपका जन्म हुआ और संगीत की सेवा उन्होंने की, और वो स्ट्रगल्स भी बहुत थी मिथुन। आपने वो टाइम अपने दादू से या फादर से ज़रूर जाना होगा जब म्यूज़िक में इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, आज हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन आज भी जैसे आप अकॉस्टिक करते हो, बट वो टाइम डिफिकल्ट था, और आज के समय को आप घर में कंपेरिजन देखते हो, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? आई थिंक आई सी इट मोर एज कि जो आज चेंजेस आए हैं, मैंने यही सीखा कि उस चेंजेस को एक्सेप्ट करो ना, क्योंकि देर इज़ अ रीज़न कि हम इस दौर में पैदा हुए हैं, और जो जो डेवलपमेंट जो है उसका सही इस्तेमाल करें एंड यूज इट टू मेक थिंग्स बेटर। क्वालिटी घटनी नहीं चाहिए, क्वालिटी बढ़नी चाहिए ऊपर, तो आई ऑलवेज ट्राई टू लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। सो शमशेरा का म्यूज़िक जैसे जैसे बाहर आ रहा है, लोगों की क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ रही है, एंड जब भी एक राइटर संगीत लिखता है, म्यूज़िक जब डायरेक्ट करता है, और इस गाने का शमशेरा का टाइटल ट्रैक भी आपने ही लिखा है, सो लिखते लिखते आ गया था माइंड में दैट सुखविंदर इज गोइंग टू सिंग दिस? बिल्कुल, वो एक जहन में जैसे गाना जहन में बढ़ता जाता है तो जो उसका दर्शन साफ होते जाता है एंड फाइनली यू कैन हियर योर सिंगर। तो मैंने सुन लिया था कि गाना सुखी जी गाएंगे एंड देन बस हमने रिकॉर्ड कर लिया। सुखविंदर जी कहते हैं दैट जहाँ पर रोक गए मिथुन सेटिस्फाइड नहीं है, तो वहाँ पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो मिथुन, ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ द म्यूजिक कौन कौन सी चीज़ माइंड में रहती है? नो डाउट आर्टिस्ट बहुत बड़ा है, नामी है, सामने सिंगर जैसा भी है, पर मैं अपने काम के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आर्टिस्ट भी मेंटली प्रिपेयर होकर आते हैं, एंड जहाँ पर अगर कोई स्टॉप लग जाए तो उस टाइम पर क्या रिएक्शन होता है आपका, क्या कोशिश रहती है दैट हाँ इस स्टाइल में आना चाहिए आर्टिस्ट? देखिए, हम एक्चुअली इतना सोचते नहीं काम करने के समय, क्योंकि संगीत जैसे हम ये दिल का काम है, तो जब दिल कहता है कि नहीं, दिल से जब आवाज़ निकलती कि वाह क्या टेक हुआ ये, या क्या क्या लाइन आई है ये, तो हम उसी को परमेश्वर की आवाज़ मान लेते हैं कि दिल भर गया है, तो हम उसी तरह चलते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, क्योंकि कोई क्या कहते हैं रॉकेट साइंस की तरह नहीं हम इसको लेते, हम दिल के मुताबिक चलते हैं। अगर बात करें अरिजीत सिंह को आपने लॉन्च किया था ना, केके के साथ आपकी बहुत बहुत खूबसूरत गाने हैं, और केके इस टाइम पे फिजिकली हमारे साथ नहीं है, बट उनकी आवाज़ हमेशा अमर रहेगी, उनके गीत हमेशा अमर रहेंगे। कोई ऐसी खास याद जो केके के साथ है, क्योंकि इतना सारे गाने किए हैं, कोई ऐसी चीज़ थी? एक तो चीज़ भी आई थी कि एक डेकेड के बाद भी आपने एक गाना उनके साथ किया था, और उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा उस गाने को पसंद किया जा रहा था। सो बहुत खास मेमोरी कोई हो जो अब भी याद करती हो, जब केके का जिक्र आता है तो वो ताज़ा होता है? मेरा जो पहला गाना था बस एक पल फिल्म का, माई फर्स्ट सॉन्ग एज एन इंडिपेंडेंट कंपोजर, उन्होंने गाया था, और उन्होंने मुझे जब मैं काम कर रहा था तो मेरे पीछे आकर मैं पियानो बजा रहा था, मेरे पीछे आकर खड़े हो गए थे केके सर और मेरे कंधों पर हाथ रख के उन्होंने मेरे कान में एक चीज़ कही थी। उन्होंने कहा था कि मिथुन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर कि तुम्हारा सफ़र बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि देर इज़ द रीज़न वाई यू आर योर, मतलब तुम यहाँ पर जिस रीज़न से हो वो तुम्हारा म्यूज़िक है, तो हमेशा उसको प्रायोरिटी रखना,
क्योंकि जैसे तुम आगे जाओगे बहुत सारे और चीज़ें जुड़ेंगे तुम्हारी लाइफ में म्यूजिक के अलावा. तो डोंट लेट द अदर थिंग्स डाइवर्ट यू फ्रॉम द मेन रीजन व्हाई यू आर हियर. जस्ट ऑलवेज फोकस ऑन दैट. म्यूजिक में जब क्रिएटिविटी की बात आती है, क्योंकि रोमांटिक ट्रैक्स बहुत ज़्यादा थे और शमशेरा में खास बात यह है जब टाइटल ट्रैक आउट हुआ ना तो ऐसे लग रहा था कि दैट आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ आ रही है. इतना एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब के साथ साथ जोश भी बहुत ज़्यादा था. तो जब फिल्म के म्यूजिक की बात आती है तो उस टाइम पर क्या रहते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स था ये, आपके जितने प्रीवियसली ट्रैक्स आए हैं उनसे डिफरेंट था इसका म्यूजिक? क्योंकि फिल्म ही डिफरेंट है. देखिए, हम म्यूजिक बनाते हैं फिल्मों के लिए. अगर मेरे पास आज कोई लव स्टोरी लेकर आता है तो फिर गाने भी वैसे ही होंगे. लेकिन जब करण मल्होत्रा, उन्होंने मुझ में ये विश्वास दिखाया, ही केम टू मी विद अ पीरियड फिल्म. तो जैसा जैसी फिल्म है, जैसे किरदार है, जिस समय में फिल्म बनी है उसका म्यूजिक ऐसा ही होना चाहिए, तो हम उसी को रिएक्ट करते हैं. सुखी जी कह रहे थे कि आप पंजाबी गाना भी कोई प्लान कर रहे हो, कुछ है अभी उसकी? बिल्कुल, मैंने अभी गदर 2 का म्यूजिक मैं कर रहा हूँ, पूरा स्कोर मैं कर रहा हूँ. तो वो तो बिल्कुल पंजाब की जमीन की फिल्म है, तो उसके अंदर हम बहुत कुछ करने वाले, देखते हैं. All the best for your upcoming tracks, upcoming projects, and we wish कि आप ऐसे मिलते भी रहेंगे, चंडीगढ़ आते रहेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ is famous for city beautiful. So यहाँ पर आके आप अपना सुंदर सा संगीत भी लोगों के साथ बांटते रहेंगे. जरूर आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा. थैंक यू. हमारे साथ मिथुन और शमशेरा आउट होने वाली है. सो आप फिल्म के गानों को तो प्यार दे रहे हैं, फिल्म को कल प्यार जरूर देना. आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर से मुलाकात होगी. नमस्कार.